48 स्कोर है लेपर्ड्स का। चलो यार, दिस इज द डीएचए स्पोर्ट्स क्लब, ये है जी वॉकिंग ट्रैक, यहाँ पे क्रिकेट हो रही है। आज कितने अर्से बाद हम वॉक करें क्या, आफ्टर अ डेकेड, डेकेड गुजर गया हमें, गुजर गया, हम बेड पे लेटे रहते हैं, बेड पे लेटे रहते हैं यार। मतलब अब लोग कह रहे होंगे कि यार मैं यहाँ कर क्या रही, सिर्फ इसलिए कि मुझे लेटा ना पड़े इसलिए मैं यहाँ आ गई, तुमने हमने यहाँ पिक्चर ले ली थी। यहाँ से आपको नजर आएगा दिस इज द जिम राइट, वो ऊपर कुछ लोग जिम कर रहे हैं, यहाँ से आप खा भी सकते हैं। अच्छा वहाँ से आपको जिम वेयर मिलेगा अच्छे वाला। यहाँ पे चल रही है फुटबॉल, एक स्पोर्ट्स क्लब है जहाँ पे फुटबॉल चल रही है, वहाँ पे टेबल टेनिस है। यार तुम्हें मजा आया? बहुत मजा आया, इतने उसके बाद हम इतने हॉस्टल में लेट गए, बहुत हो गई है इतने दिनों बाद तुम हवा में आए, ऐसे लग रहा है जैसे हम आज ही आजाद हुए है ना, आज ही आजाद हुए। यार मेरे ऑफिस में ना लड़कों के जितने मैचेस होते हैं लड़कियों का कोई मैच नहीं होता, लड़कियों का कुछ तो मैच होना चाहिए है ना, किसी चीज में तो लड़कियां अच्छी होंगी होंगी बल्कि। अब ये मत करो यार क्योंकि कंपटीशन का सबसे ज्यादा बकवास ही नहीं लगते कोई कंपटीशन हो जाए, पता चलता है जब भी कुछ लड़ी हो होता है एंडेड अप ऑन कुकिंग। शक्ल तो 12 बज चुके हैं उसमें तो कोई शक नहीं है। अब I will prefer Mola Jatt क्योंकि वो मैंने देखी है। This is life. पाकिस्तान है हमारा। मैं देखो इस वाले मैच में ना मुझे कुछ पता ही नहीं, आई डोंट नो कि ये लेपर्ड्स हॉक्स ही इतना डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत क्या थी, चलो अगर कर लिया तो मतलब मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट ही नहीं है, शायद मेरा इंटरेस्ट लूज कर दिया भाई, अब जीतो हारो जो भी करो बस अब बहुत हो गई है। ये देखो भाई बच्चों को मिल रहे गिफ्ट हैंपर्स और यहाँ पे रश चेक करो। यार वो दोनों बच्चे कहाँ गए, तुम्हारे साथ खेले थे उन्हें ढूंढो, कोई ग्रेड सेट में है तो सही। ओवर्स में कितने का टारगेट है, 74 का, लेट्स सी। ये बनाया है लेपर्ड्स ने और अब खेलेगी हॉक्स टीम, लेट्स सी कौन जीतता है कौन हारता है। बाल बिल्कुल उड़ रहे हैं, शक्ल भी 12 बज चुके हैं। हाँ जी चले खेले, नहीं मैं कह रही हूँ उस बच्चे को लेके आओ हम दोबारा से खेलते हैं। तुम्हें काम करो उसको लेके वहाँ खड़े हो जहाँ पे हम खेले थे, हम यहाँ से चक्कर लगा के वहाँ आते हैं, सही है? क्या टाइम हो रहा है, 8:44 हो चुके हैं, 11 बजे का हमारा कर्फ्यू है। लेट्स सी अब हमारा टारगेट ये है कि हमने 11 बजे से पहले वहाँ कैसे पहुँचना है। लेपर्ड्स हो गए हैं चले गए और अब खेलने लगे हैं हॉक्स। मेरा ख्याल है कि 9 बजे से पहले पहले ये मैच खत्म हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 6 ओवर हैं, मिनट लगेंगे मिनट।
अब इकरा थक चुकी है भाई, इतने दिनों बाद कुछ हम करें तो बंदा थक ही जाता है यार। मतलब मैं तो कहूंगी जब मैं आई थी तो पहले घंटे भी थक गई थी कि बस बहुत हो गया अब घर जाओ। बहुत फन कर लिया, बहुत फन कर लिया। 1000 से ज्यादा स्टेप्स हो चुके हैं यार बेटा। नहीं पॉइंट दीवाने, पूछो ना ये कैसे पता हो गया यार, हर सवाल से हो गया अपनी बात, और खेल सजेगा फिर ताली बजेगी, सीटी बजेगी, खेल जमेगा, ताली बजेगी, अब खेल जमेगा, ला 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 ला। ये हमारा थर्ड राउंड है यार, माशाल्लाह हबीबी बेटा। होप सो ये हमारा लास्ट राउंड है। हाँ, बहुत थोड़ा सा रह गया फॉर श्योर, ये फॉर श्योर। ओके भाई, इसके बाद हम दोबारा राउंड नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारा थर्ड राउंड है। ये हमारा थर्ड राउंड है और वो समझ लो लास्ट राउंड है। बहुत हो गई है हमारी मस्ती, बहुत मस्ती हो चुकी है, इंजॉय किया हमने। बस इंतजार है मुझे किस चीज का, जिस चीज के लिए मैं यहाँ आई थी। ऑब्वियसली खाना लगेगा तो हम जाएंगे यार। खाना बेशक हमने कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हम। अब देखो कल मैंने कपड़े भी धोने, यार मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कपड़े धो के आई। ये अच्छी बच्ची यार, इसने सारे काम कर लिए। मैं धो के आई, मेरे पास कपड़े प्रेस करने वाले, वो मैंने आज ही करने थे लेकिन अब मैं कल करूंगी यार। देखो यार, मैंने कपड़े भी धोने हैं, मैंने इस्त्री भी कर रहे हैं, और क्या, और मुझे बाकी भी काम है जो काम है सैटरडे। लगा